भगवान तो स्नान पुण्य में स्नान होती है, उसका तो विराट कहानी है। महाराज इंद्रद्युम्न, उसके जो राजा था सूर्यवंश का राजा महाराज इंद्रद्युम्न, वो पहले बार भगवान को पूजा करवाया था। एक दिन राजा भगवान क्या करेंगे, पहले भगवान वसु सबर के पास था, वही वसु सबर के पास से राजा ले आएंगे तो भगवान वसु सबर भगवान को बोलेगी, प्रभु जी आप हमको छोड़ के जाएंगे तो मैं किससे करूँ, किसके पूजा करूँ, किसके देख के मेरी जान बचाओ। वही टाइम भगवान बोले, वसु तुम मत सोचना, मैं अभी शंख क्षेत्र पुरी में बैठा हूँ और हर साल में स्नान पुण्य के बाद मैं तेरे पास आ जा रहा हूँ, तेरे पास मैं रुकूंगा 15 दिन, किंतु राजा को बोलूंगा हमको तब तक भी ठीक नहीं है, मैं सो जाऊं, अभी मंदिर बंद कर दूं, इस बात करके मैं तेरे पास आ जा रहा हूँ। वही टाइम वसु सबर के पास भगवान जाएंगे, वसु सबर के पास 15 दिन रहेंगे, तब आएंगे, उसके नेत्रोत्सव हो जाएंगे, उसको प्रतिष्ठा कर जाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य भगवान सबर रहना तो इसीलिए ब्राह्मण समाज उसको प्रतिष्ठा करते। वही टाइम सबर राज वसु के साथ वापिस आएंगे पुरी को, और द्वितीय दिन में उस प्रतिपदा में उसका नेत्रोत्सव हो जाएंगे, नेत्रोत्सव के बाद द्वितीय दिन में मौसी मंदिर को निकल जाएंगे। मौसी है इंद्रद्युम्न राजा का पत्नी, उसका जो धर्मपत्नी था महारानी वही है भगवान का मौसी। कैसे मौसी है वो, भगवान बोलेगी माता जी आप जो आपके प्रसन्न हुआ मैं मेरे तेरे पास जो मांगेंगे आप दे दूँ, इस वर मांग लो आप, कोई भी वर मांग लो। वो रानी बोले बेटा मैं तुझ क्यों मांगू, मैं एक ही बार मांग रहा हूँ, तू हर साल मेरे पास आके मेरे कुल में बैठ जा, मेरे बच्चा बन जा। भगवान उसके वर में खुश होके वही इसके लिए महारानी गुंजी के पास जाएंगे, 10 दिन वहाँ रुकेंगे मौसी के पास आराम में रहेंगे, वो 10 दिन के बाद वापिस आएंगे। पंडित जी आपका नाम? पीतम्बर दास, जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर रायपुर, अध्यक्ष जगन्नाथ सेवा समिति गायत्री नगर में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका आज स्नान पूर्णिमा का कार्यक्रम था, बड़े धूमधाम से स्नान पुण्य का कार्यक्रम हुआ है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान बहुत स्नान करते हैं, इसको स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं, इसको बसुमती स्नान भी बोलते हैं। आज के दिन भगवान स्नान करते हैं और अत्यधिक स्नान करने के बाद आज के बाद 15 दिन भगवान बीमार पड़ जाएंगे, उसके बाद 4 जुलाई को रथ यात्रा होगा, अपने मौसी के घर में रहेंगे और 9 दिन के बाद वापस आएंगे। इस समय भी प्रथम सेवा के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, नगर के विधायकगण और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहेंगे और रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।